गुड इवनिंग दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज आपके लिए ये पहली क्लास होगी जो इवनिंग में आई है तो जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ हम सुबह चलाते थे आज से उसको शाम को चालू करते हैं और सुबह एडवांस मैथ चलेगा और शाम को आपको इवनिंग में चार बजे से आपका जो है अर्थमेटिक चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएँ और सुबह आप लोग एडवांस मैथ देखा करें जीएस देखा करें और शाम को आप लोग जो है हमसे अर्थमेटिक पढ़िए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए आज हमारी इवनिंग में पहली क्लास होगी तो आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने मित्रों को जोड़ लीजिए बता दीजिए कि आज शाम से इवनिंग में आपकी क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और जब आप लोग सबों को बताओगे तब लोग जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ लीजिए सबको देखिए सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हम लोग शुरू करते हैं तो आज से हम शाम को पढ़ेंगे तो आप लोग जो है डेली चार बजे हमसे मिला करेंगे और चार बजे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आ, सुबह आप लोग बढ़िया से पढ़िए शाम को पढ़िए और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपको हम बहुत अच्छी मैथ सिखा देंगे उसके बाद भी हम पढ़ाएंगे मगर हम उम्मीद ये रखी है कि जब तक लॉकडाउन लगा है ऑफलाइन क्लासे है बंद हैं तब तक आपको हम ऑनलाइन अच्छे तरीके से सिखा देंगे तो आप लोगों को इसके काम करना होगा आप लोग नोट्स बनाते चलें अर्थमेटिक का सेपरेट नोट्स बना लीजिए और एडवांस का अलग बना लीजिए और इनको बढ़िया से लिखते चलिए इनका प्रैक्टिस सेट आपको हम जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन पीडीएफ बना के भेज देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो चलिए स्टार्ट किया जाए तो सब लोग एक बार जो नया है तो चैनल को लाइक कर दे सब लोग लाइक कर दीजिए और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को बता दीजिए शेयर कर दीजिए अब चलिए करते हैं शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो चलिए सब लोग हेडिंग बना लेंगे वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न आपको बताने से पहले हम आपको ये जो आज टाइप पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा फार्मूला वेस्ट है तो आपको क्या करना होगा फार्मूले आपको दो से तीन फार्मूले लर्न कर लेना है तो चलिए फार्मूला देखेंगे यहाँ से पहला फार्मूला होता है यहाँ से समझेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ से देखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल फार्मूला होता है आपका एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन और डिवाइड बाई सिक्स ये देखो यहाँ से फार्मूला होता है आपका योगफल का एन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स यहाँ एन क्या है आपका प्राकृतिक संख्याएँ तो चलिए ये फार्मूला सब लोग लर्न कर लेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और इससे हम बनाते हैं आपके छोटे छोटे सवाल तो चलिए आप लोगों को टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लेना है देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहा है एक से दस तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए यानी एक से लेकर दस तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से देखेंगे एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग और कहाँ तक देखो हमको जाना है दस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है तो यहाँ से देखेंगे दस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है तो यहां से ध्यान से देखिए कि आपके नंबर कितने लिखे हुए हैं नंबर लिखे हुए हैं कितने दस है। अब जो एं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है तो फार्मूला क्या होता है अं, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन और डिवाइड बाई सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स तो एन का मान कितना है दस दस में एक जोड़ देंगे ग्यारह दस दूनी बीस और एक इक्कीस और भाग देंगे क्या का छः का तो यहाँ से देखेंगे भाग कै का दिया जाएगा छः का आपका भाग दिया जाएगा तो तीन से काट देंगे तो यहाँ से देखो तीन दूनी छः और तीस इक्कीस ये देखो सात आ गया अब देखो दो से काट देंगे तो आ जाएगा तो कितना ये यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ से काट देंगे तो पाँच और ग्यारह पचे पचपन तो पचपन गुणा सात अब देखेंगे यहाँ से तो सात पना पैंतीस यहाँ से आ जाएगा पाँच ग्यारह पच्चीस पचपन पचपन गुणा सात सात पना पैंतीस की पाँच हासिल कितना आया तीन सात पना पैंतीस और तीन कितना अड़तीस तो ये देखो आपका राइट आंसर आ जाएगा तीन सौ पचासी तो देखिए आपको क्या समझना है अगर आपको इस प्रकार के सवाल लगाने हैं यानी प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है और ये फार्मूला याद ही कर लेना है क्योंकि इस फार्मूले के बिना आपका कोई भी सवाल का आंसर नहीं आएगा अगर आप सोचो कि हम डायरेक्टली निकाल जाए तो देखिएगा ध्यान से आपको क्या करना होगा एक से लेकर दस तक के संख्याओं का वर्ग लिखना होगा फिर जोड़ना होगा जो कि थोड़ा सा क्या है कठिन है तो आपको ऐसे फार्मूले लगाकर ही निकालना है अभी हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करा देते हैं तो आप लोग अच्छे से बनाते चलिएगा और एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताते चले जाएंगे तो यहां से देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा समझेंगे एक से तीस तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए यानी एक से तीस तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है इसका मतलब ध्यान से देखेंगे एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग और प्लस तीन का वर्ग और ऐसे कहाँ तक जाना है अपन को तीस तक ये देखेंगे ध्यान से तीस तक आपको जाना है तो ध्यान से देखिए तीस तक जाना है तो ये देखो तीस अब देखेंगे यहाँ से अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा कि एन का मान कितना आया हुआ है तो एन का मान है आपका तीस अब आप देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है तो योगफल का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन तो एन का मान है तीस तीस में एक जोड़ देंगे इकतीस और देखो टू एन प्लस वन तीस दूनी साठ एक जोड़ देंगे इकसठ और भाग देंगे क्या का छ का भाग देंगे छः का तो यहाँ से देखिए हम इसको काट देते हैं अब देखो यहाँ से काट देंगे छः का भाग देंगे तो देखो छः से काट दो कई बार में कट जाएगा ये पाँच बार में कट जाएगा कट जाएगा तो ये देखो पाँच अब आप देखेंगे यहाँ से इकसठ का इकतीस से गुणा कराएंगे इकसठ एक एकमा इकसठ एक तो एक आएगा हासिल कितना आएगा आपका छः इकतीस ती कितना होगा छः ती अठारह एक सौ अस्सी तीन और जोड़ देंगे तो एक सौ तिरासी होगा तो यहाँ से देखो आ जाएगा छः तीन नौ आठ एक अब देखो इसका आपस में क्या करा दीजिए गुणा करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाँच एकमा पाँच नौ पना पैंतालीस की पाँच हासिल लगा चार आठ पंचे चालीस और चार चवालीस और पाँच चार नौ तो कितना आ जाएगा चौरानवे सौ पचपन आपका आंसर आ जाएगा यानी एक से लेकर तीस तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा आपका चौरानवे पचपन आपका आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे कि आपको एक से लेकर तीस तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़े एक से लेकर आपसे बीस तक का पूछे दस तक का पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना ले जाओगे तो बन जाएगा सबसे तो ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से आपका टाइप फर्स्ट क्या होता है खत्म होता है तो सबको समझ में आ गया तो ध्यान से देखेंगे आपको बताते हैं टाइप सेकेंड चलिए टाइप सेकेंड देखेंगे ध्यान से टाइप सेकंड में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात कीजिए चार का वर्ग देखिए यहां से क्या है आपको मान निकालना है ध्यान से देखेंगे चार का वर्ग पांच का वर्ग ऐसे छ का वर्ग सात का वर्ग आठ का वर्ग फिर देखेंगे नौ का वर्ग दस का वर्ग ग्यारह का वर्ग और बारह का वर्ग अब ध्यान से देखिए कि चार से लेकर बारह तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकाल लेना है तो देखो यहां ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को देखो बनाएंगे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है आपका एक से लेकर कहां तक बारह तक नंबर नहीं है चार से है तो जो हमारा फार्मूला डिजाइन किया गया है वो फार्मूला प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का डिजाइन किया गया है यानी कहाँ से कहाँ तक एक से तो क्या करेंगे आप ऐसे नहीं कि ये का नंबर काउंट कर लो आठ लिखे हुए हैं आप क्या करोगे एक से ले लोगे तो एक का वर्ग फिर देखेंगे यहाँ से दो का वर्ग फिर देखेंगे ध्यान से तीन का वर्ग इसको आप क्या करोगे जोड़ लोगे जितना नंबर मिसिंग है उतना नंबर आप क्या कर लोगे ऐड कर लोगे तो ध्यान से देखा कि इतना नंबर आपका नहीं था तो इतना नंबर आपने क्या कर लिया है जोड़ लिया है अब देखिए आपका वही सवाल बन गया शुरू से लेकर बारह तक यानी ऐन का मान कितना आया बारह अब जो फार्मूला ये डिजाइन किया जाता है ये शुरुआत से लेकर डिजाइन किया जाता है तो देखो यहाँ से अब इस सवाल को बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि टोटल का जो फार्मूला होता है वही लगा देंगे तो ऐन का मान कितना है बारह और बारह में एक जोड़ देंगे कितना तेरह और बारह दूनी चौबीस और एक कितना पच्चीस और भाग देंगे कै का छ का अब ध्यान से देखिए गणित का एक नियम होता है कि जितना हम जोड़ेंगे उतना लास्ट में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो ध्यान से देखेंगे कितना हमने जोड़ा है एक का वर्ग धन दो का वर्ग और धन तीन का वर्ग तो ये देखो हमने इतना जोड़ा हुआ है तो इसको बाद में माइनस करेंगे अब ध्यान से देखेंगे छः से काट देंगे तो छः दूनी बारह ये देखो पच्चीस दूनी पचास और तेरह पचे पैंसठ तो ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा माइनस है. एक का वर्ग एक होगा दो का वर्ग चार होगा तीन का वर्ग नौ होगा तो देखो नौ एक दस और दस और चार चौदह तो यानी 650 में से आपका क्या होगा चौदह माइनस हो जाएगा जब चौदह माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा छः तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 636 आपका राइट आंसर आ जाएगा चलिए तो देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लग जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा चलिए कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे कैसा लग रहा है शाम को पढ़कर कैसा महसूस कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं तो चलिए सब लोग इसको जो है अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे चीज़ों को बेहतर करते चले जाएंगे धीरे धीरे हम लोग पूरा गणित सीख लेंगे आप लोग हमारे साथ लगे रहें और धीरे धीरे ऊंचाई को हम लोग पकड़ेंगे तो आराम से पढ़ते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से देखेंगे आपका इसी टाइप में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे ये क्वेश्चन है आपका नौ प्लस सोलह प्लस पच्चीस प्लस, प्लस, प्लस छत्तीस और प्लस ऐसे चलते चले आएंगे और प्लस सौ का योग है इसका योग निकालना है तो ध्यान से देखिए ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे हम लोग नौ का मतलब क्या होता है नौ का मतलब है तीन का वर्ग इसका मतलब ध्यान से देखेंगे तीन का वर्ग लिखा हुआ है सोलह का मतलब क्या है चार का वर्ग पच्चीस का मतलब क्या है पाँच का वर्ग और छत्तीस का मतलब क्या है छ का वर्ग आप देखो यहां से सौ का मतलब क्या होता है सौ का मतलब होता है दस का वर्ग अब ध्यान से देखिएगा अब देखो यहां वही सवाल आपका बन गया कि आपका कोई नंबर मिसिंग है ना ये टेन नंबर तो लिखे हुए हैं मगर शुरुआत से नहीं लिखे हुए हैं तो आप लोग क्या करेंगे जितना नंबर मिसिंग है उतना ऐड करेंगे बाद में उतना माइनस कर लेंगे तो देखो क्या मिसिंग है तो यहां ध्यान से देखो एक का वर्ग नहीं है फिर देखो ध्यान से दो का वर्ग नहीं है तो हमने कहा है जितना मिसिंग है उतना क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे तो ये देखो मिसिंग था तो इतना ऐड कर लिया अब देखो एन का मान कितना आएगा एन का मान आया है दस है। अब देखो एक से लेकर दस तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का तरीका बताया था हमने और पहले क्वेश्चन में निकाला भी हुआ है तो यहाँ से देखो एक बार फिर से आपको निकाल कर बता देते हैं तो देखो यहाँ से फार्मूला होता है एन तो एन का मान है दस एन प्लस वन यानी ग्यारह टू एन प्लस वन दस दूनी बीस और एक कितना इक्कीस अब देखो यहाँ भाग देंगे का हम छः का अब देखो जितना यहाँ पे हमने जोड़ा था उतना क्या करना पड़ेगा माइनस तो यहां से देखो एक का वर्ग एक और दो का वर्ग चार ये आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो यहाँ से देखो हमने आपको काट के बताया था दूनी बारह और यहाँ से कितना सॉरी कितना आया था ये तीन सौ पचासी हमने पहले निकाला हुआ है ना हमको याद है आपको भी याद होगा तीन सौ पचासी आया था एक से लेकर दस तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आया था तीन सौ पचासी तीन सौ पचासी में से आपको पाँच क्या करना है माइनस कर देना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा तीन सौ अस्सी तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा तीन सौ अस्सी आपका राइट आंसर आ जाएगा तो ये देखो हमने आपको टाइप सेकेंड बताया जिसमें आपका कोई भी नंबर मिसिंग है तो आप उसको पहले ऐड कर लेंगे बाद में उतना माइनस कर लेंगे तो आपका ये सवाल हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि आपके ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा अब चलिए बनाते हैं हम क्या टाइप थर्ड टाइप थर्ड देखो आपको समझाना चाहेंगे तो आपको समझने की कोशिश करना है टाइप थर्ड में क्या होगा अब देखिए टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ में आपको हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे और एक जैसे क्वेश्चन होंगे तो देखिए आपको हम बता देते हैं टाइप थर्ड बताने से पहले आपको हम एक फार्मूला छोटा सा लिखा देते हैं तो उस फार्मूले को आपको क्या करना है लिख लेना है तो देखिए फार्मूला और ये फार्मूले आपको याद ही होना चाहिए आज जो पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है और ये फार्मूले से ही सवाल लगते हैं आप कहोगे सर बिना फार्मूले से लग जाए तो नहीं लगता तो यहां से देखेंगे लगातार फार्मूला लिख लेंगे सब लोग लगातार लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगातार विषम संख्याओं के लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो यहाँ से देखेंगे योगफल का जो फार्मूला होता है विषम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होता एल एल प्लस वन एल प्लस टू और डिवाइड बाई सिक्स क्या होता है फार्मूला एल एल प्लस वन एल प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स है अब यहां ध्यान से देखेंगे तो जो एल का मतलब होता है वो होता है लास्ट डिजिट यानी अंतिम पद एल का मतलब क्या होता है लास्ट डिजिट यानी अंतिम पद या अंतिम संख्या तो इस प्रकार आपको देखो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला याद कर लेना है और यही सेम स... फार्मूला होता है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो अभी इसको आप लिख लीजिए नोट्स में और हम देखिए एक ठो सवाल आपको बता देते हैं यहाँ से देखेंगे सवाल क्या है एक का वर्ग तीन का वर्ग पाँच का वर्ग देखिए यहाँ से आपको क्या कहा है क्वेश्चन में एक का वर्ग फिर कहा है तीन का वर्ग और फिर ऐसे चलते चले जाएंगे तो फिर आपसे कहा है पच्चीस की घात दो इसका आपको योगफल निकालना है तो ध्यान से देखिए इसका मतलब ये है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे आप इसको लगाते रहोगे लगाते रहोगे और लगाते ही रहोगे आंसर नहीं आएगा क्यों क्योंकि जोड़ना बहुत कठिन है और जोड़ना कठिन है तो हम आपको बताएंगे वही तरीका तो आप लगा दीजिए योगफल का फार्मूला क्या होता है जब विषम संख्याएं हो लगातार में तो यहां से देखो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का आपका फार्मूला बता चुके हैं फार्मूला एक बार और लिख लेंगे एल एल प्लस वन एल प्लस टू और डिवाइड बाय सिक्स अब देखो एल का मान हमें पता है कितना था एल का मान लास्ट डिजिट तो कितना है आपका पच्चीस तो ये हो जाएगा पच्चीस पच्चीस में एक जोड़ देंगे छब्बीस पच्चीस में दो जोड़ देंगे सत्ताईस अब देखो यहाँ से भाग दिया कै का छः का देखो भाग कह का देंगे हम छः का भाग देंगे तो ध्यान से समझना तीन से काट दो तीन दूनी छः दो दू बार में कट जाएगा तीन से काट दो नौ बार में कट जाएगा यहाँ से देखो दो से काट दो ये तेरह बार में कट जाएगा और तेरह नम्मा कितना होगा एक सौ सत्रह तो इसका मतलब पच्चीस गुणा एक सौ सत्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणा करा देंगे तो पच्चीस सत्य एक सौ पचहत्तर होता है हासिल आया पाँच हासिल कितना आया सात अब देखो पच्चीस पच्चीस सत्य एक सौ पचहत्तर होता है तो हासिल कितना आएगा सत्रह आएगा आप देखो यहाँ से पच्चीस से कम पच्चीस तो पच्चीस यहां से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका बयालीस तो बयालीस का दो आ जाएगा हासिल आएगा चार पच्चीस चार कितना हो जाएगा उनतीस तो इसका मतलब आप एक से लेकर पच्चीस तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा उनतीस सौ पच्चीस आपका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ना चलिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पच्चीस आपका राइट आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसके बाद देखो आपको बताते हैं अगला टाइप बना लेंगे अगला टाइप बना लेंगे चलिए नोट कर लिया नोट कर लिया इसको ये यह चलिए यहां से देखेंगे अगला टाइप अब ध्यान से देखेंगे इसके बाद आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं हम आपको सम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो देखिए सेम सवाल बनता है तो सेम फार्मूला आप अगले टाइप में फिर से लिख लेंगे लगातार लिख लेंगे लगातार सम संख्याओं का योगफल लगातार सम संख्याओं का योगफल लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो देखिए सम का हो या बेसम का फार्मूला वही बनेगा एल एल प्लस वन एल प्लस टू और डिवाइड बाई सिक्स तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे एल एल प्लस वन एल प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स तो इस प्रकार से आपको देखो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का भी हम एक सवाल बता देते हैं तो चलिए इस टाइप में भी हम एक क्वेश्चन बना लेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है दो की घात दो चार की घात दो छ की घात दो और ऐसे चलते चले जाएंगे तो बीस की घात दो इसका आपको योगफल निकालना है तो देखिए यहाँ से यानी सम संख्याओं के वर्गों का आपको योगफल निकालना है तो बड़ी सिंपल तरीके से जान लेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो देखिए एल यानी लास्ट डिजिट कितना है आपका लास्ट डिजिट है आपका बीस और हमने आपको जो फार्मूला बताया है सम और विषम का सेम फार्मूला होता एल तो एल का मान है बीस एल प्लस वन बीस में एक जोड़ देंगे इक्कीस एल प्लस टू तो कितना बाईस और भाग देंगे क्या का छः का तो ये देखो यहाँ से छः का क्या करेंगे हम भाग दे देंगे अब देखिएगा तीन से काट देंगे तीन दुनी छः तीन सतेह इक्कीस और दो का भाग दिया तो यहाँ से देखो हो जाएगा बीस गुणा सात और गुणा ग्यारह अब देखो ध्यान से देखेंगे ग्यारह सतह से सत्तर जीरो आएगा सात दुनी चौदह की चार और चौदह और एक कितना पंद्रह तो इसका मतलब कि अगर दो यानी एक से बीस तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह सौ चालीस आपका राइट आंसर आ जाएगा बोलिए आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहे हैं एक बार आपको फार्मूला भी अच्छे से याद कर लेना हो जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो चलिए अगला टाइप आपको हम बता देते हैं तो अगला टाइप ध्यान से देखेंगे अगला टाइप आपका क्या होने वाला है ए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जितने लोग भी लाइव हैं तो आप लोग एक बार चैनल को जो है लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग क्या करेंगे लाइक कर देंगे अब चलिए लाइक कर दिया सब ने अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से देखो आपका अगला सवाल कह रहा है एक का वर्ग माइनस दो का वर्ग प्लस है, तीन का वर्ग माइनस है, चार का वर्ग ऐसे चलते चले जाएंगे फिर देखेंगे प्लस का नौ का वर्ग और माइनस का दस का वर्ग इसका आपको क्या करना है मान निकालना है अब देखिए आपको पता है कि ये संख्याएं आपकी दस ही लिखी हुई हैं मगर आप देखिए कि विषम संख्याओं के आगे प्लस लगा हुआ है और सम संख्याओं के आगे माइनस लगा हुआ है तो किसी भी सवाल में हमने माइनस का सवाल नहीं पढ़ा था तो यहां से देखिए आपको क्या करना होगा आपको अलग तरीका लगाना होगा इसका मतलब प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो ध्यान से देखेंगे कि विषम संख्याओं को हम अलग लिख लेंगे यानी एक का वर्ग फिर ध्यान से देखेंगे तीन का वर्ग फिर देखेंगे ऐसे नौ का वर्ग यानी विषम संख्याओं को हमने क्या कर लिया अलग लिख लिया अब देखो सम संख्याओं को अलग लिख लेंगे दो का वर्ग माइनस चार का वर्ग और माइनस ऐसे चलते चलेंगे माइनस का दस का वर्ग तो ध्यान से देखेंगे एक बार इसको लिख लीजिए एक का वर्ग धन तीन का वर्ग ऐसे चलते चले जाएंगे और प्लस नौ का वर्ग अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से माइनस कोमन आ रहा है तो माइनस कोमन लेंगे तो दो का वर्ग प्लस चार का वर्ग और प्लस ये जब माइनस कोमल लेंगे तो जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक थी सब क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी अब देखिए आपको यहाँ पे दोनों फार्मूला लगेगा विषम संख्याओं का सम संख्याओं का तो बस आसानी से आप इसको लगा दीजिए अब देखो यहाँ फार्मूला लगेगा तो लास्ट डिजिट नौ है तो नौ नौ में एक जोड़ देंगे दस नौ में दो जोड़ देंगे ग्यारह और भाग देंगे क्या का छः का बीच में है माइनस का चिन्ह है यहाँ एहल का मान कितना है दस तो दस में एक जोड़ देंगे ग्यारह दस में दो जोड़ देंगे बारह और भाग देंगे क्या का भाग देंगे यहाँ से छः का तो हो जाएगा ना अब देखो दस ग्यारह और बारह अब देखो इसको लगाने के तरीके बहुत हैं या तो इसको काट दो या नहीं काटना तो देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या कोमन आ रहा है दस है, यहां भी है ग्यारह ग्यारह यहां भी है और नीचे छ है तो इसको भी कॉमन लेंगे तो यहां से देखेंगे आप देखिएगा दस है. गुणा ग्यारह और छः यहाँ तो ये क्या ले लिया कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा आपका यहाँ बचेगा नौ माइनस का बारह ये बचेगा ना नौ माइनस का बारह तो अब देखो इस चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे हम लगा देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा देखो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो दस गुणा ग्यारह और नीचे कितना लिखा हुआ आपका है आपका छः और नौ में से बारह जाएगा तो माइनस कितना बचेगा माइनस का बचेगा तीन तो देखो तीन से काट देंगे दो बार में और दो से काट दिया पांच बार में ग्यारह पचपन पच्च और वो भी कहेगा माइनस का तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा माइनस का पचपन तो माइनस का पचपन आपका राइट आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से आपका ये टाइप भी कंप्लीट होता है और इस प्रकार आपकी ये हेडिंग जो है हमने जो आपको बताई थी हाँ वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न की हेडिंग खत्म होती है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखो जान लेना है जो भी लोग देख रहे हैं तो एक बार फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लीजिए जैसे हमने कहा था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स और देखो सम और विषम का एक ही फार्मूला होता है एल एल प्लस वन एल प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स तो इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि इन फार्मूलों के बिना ही सवाल आपके नहीं होंगे जैसे देखिए कुछ लोग आजकल जो जमाना चल रहा है तो कहते हैं कि बिना फार्मूले का सवाल बनना चाहिए तो हम कहते हैं यही सवाल उनके सामने प्रजेंट कर दिया जाए और कहें कि आप नहीं आप सवाल को फार्मूले से नहीं लगाइए आप गुणा करके लगाइए तो बहुत टाइम लगेगा नहीं लगा पाएंगे तो हम बता रहे हैं इन छोटे छोटे फार्मूलों को आपको याद कर लेना है अब चलिए अगली हेडिंग बना लेंगे घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न अब देखिए घन का भी जानना है यानी क्यू नंबर स्क्वायर तो ये हो गया अब क्यू देखेंगे तो इसका भी एक फार्मूला होता है इसको भी आपको क्या करना है नोट कर लेना है तो यहाँ से देखेंगे इसका एक ही फार्मूला होता है इसको सम समझेंगे फार्मूला क्या होता है प्रथम एन प्रथम ऐन प्राकृतिक प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का के घनों का योगफल प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल फार्मूला क्या होता है आपका एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर तो ये देखो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है क्या होता है फार्मूला एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर अब कोई भी आपका क्यू नंबर पूछे तो आप बहुत आसानी से बता ले जा सकेंगे तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग चलिए नोट कर लिया ना सबने अब ध्यान से देखेंगे आपको टाइप फर्स्ट में हम पहला क्वेश्चन बताते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहा है कि प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एक का क्यूँ दो की घात तीन तीन की घात तीन डॉट डॉट चलते चले दस की घात तीन का योगफल ज्ञात कीजिए यानी एक से लेकर दस तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपको निकालना है यानी एक की घात तीन धन दो की घात तीन और धन तीन की घात तीन ऐसे चलते चले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम दस की घात तीन अब देखिए अगर इसको बिना फार्मूले के लगाओगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा जोड़ना इसको क्या हो जाएगा बहुत कठिन हो जाएगा तो हमको कठिन करना है कि सरल तो सरल मेथड लगाएंगे आप वो फार्मूला लर्न है तो उसको लगा दीजिए तो बताइए फार्मूला क्या होता है सबको हमने अभी अभी याद कराया है तो सब लोग चलिए चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे फार्मूला होता क्या है कमेंट बॉक्स में तो नहीं लिख पाइए तो आप मोबाइल के सामने ही हमसे बताइए तो देखो हमें फीलिंग आएगी कि आप बता रहे हो फार्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर अब देखो एन का मतलब है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी एन का मान कितना है आपका दस तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे दस दस में एक जोड़ देंगे ग्यारह और दो का देंगे भाग और यहां से लगा देंगे होल स्क्वायर तो देखेंगे सब लोग जब दो का भाग दस में दिया तो कितना आया पाँच और ग्यारह का पाँच से गुणा कराया तो कितना आ जाएगा पचपन तो ध्यान से देखेंगे ये आ जाएगा आपका पचपन और पचपन का स्क्वायर और पचपन का स्क्वायर देखिए क्या होगा हमने आपको पहले भी बताया है तो क्या करते हैं पाँच का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस और इस पाँच का छः से गुणा करा देंगे तो तीस अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है और आपसे नहीं बनता तो हम आपको हमारे जो है मैथ की क्लासों में डला हुआ है एक वीडियो है जिसमें हमने बताया था किसी भी संख्या का वर्ग पलक झपकते ही कैसे निकालते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया तीन हजार पच्चीस आपका राइट आंसर आ गया अब ध्यान से देखेंगे एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम आपको बता देते हैं देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है क्वेश्चन कह रहा है एक की घात तीन धन दो की घात तीन धन तीन की घात तीन डॉट डॉट चलते चले जाएंगे बीस की घात तीन का योगफल ज्ञात कीजिए यानी इसका कहने का मतलब कि प्रथम बीस प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपको निकालना है एक की घात तीन दो की घात तीन और तीन की घात तीन ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे ऐसे चले जाएंगे बीस की घात तीन अब ध्यान से देखेंगे एन का मान कितना है आपका बीस तो एन का मान है बीस अब ध्यान से देखिए योगफल तो योगफल का जो फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर तो देखो एन का मान कितना है बीस और बीस में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा इक्कीस और भाग कह का एका देंगे दो का और ये बना देंगे होल स्क्वायर तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आप क्या करोगे यहाँ देखिएगा ध्यान से तो देखो समझेंगे दो का भाग देंगे तो कितना आएगा दस और ये हो जाएगा इक्कीस का स्क्वायर किसका हो जाएगा इक्कीस और दस आएगा तो यानी एक जीरो और आ जाएगा यानी दो सौ दस का स्क्वायर तो देखो इक्कीस का स्क्वायर का हो दो सौ दस का कहो तो वही चीज़ होगा इक्कीस का स्क्वायर होता है चार सौ इकतालीस और डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि एक दो बार होगा तो डबल जीरो यानी चवालीस सौ कितना चार सौ चार सौ इकतालीस और डबल जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा चवालीस हज़ार सौ तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब देखिए इस प्रकार से आपका ये टाइप के फर्स्ट क्या होता है ख़त्म होता है अब चलिए बना लेंगे टाइप सेकेंड अब टाइप सेकेंड में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा वही कंसेप्ट है जो वर्गों में था वही घनों में है तो देखेंगे चार की घात तीन पाँच की घात तीन छः की घात तीन ऐसे चलते चले जाएंगे ए, प्लस उन्नीस की डॉट डॉट उन्नीस की घात तीन प्लस बीस की घात तीन का मान याद करें यहाँ से देखेंगे आपसे क्वेश्चन कहा है चार की घात तीन फिर देखिएगा पाँच की घात तीन फिर देखेंगे छ की घात तीन और प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएँगे उन्नीस की घात तीन और प्लस बीस की घात तीन अब देखिएगा ये आपको योगफल निकालना है अब ध्यान से देखेंगे हमने बताया था कि जो फार्मूला डिज़ाइन किया गया था वो प्रथम ऐन प्राकृतिक संख्याओं के लिए डिज़ाइन किया गया था तो यहाँ देखो आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या तो प्राकृतिक संख्याएं तो एक से शुरू होती हैं तो जितना नंबर मिसिंग है उतना क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे तो एक की घात तीन धन दो की घात तीन और धन तीन की घात तीन तो हमने कहा था जितना मिसिंग है उतना क्या करिए जोड़ लीजिए तो ये देखो आपने क्या कर लिया जोड़ लिया जितना आपका मिसिंग था उतना आपने क्या किया है जोड़ लिया अब ध्यान से देखिए आपका 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने को आ गया तो देखो 20 प्राकृतिक संख्याओं का अभी अभी हमने आपको बताया था क्या बताया था यहाँ से देखो अब फिर से बता देते हैं 20 है? एक जोड़ देंगे तो इक्कीस और भाग देंगे दो का और यहाँ करा देंगे स्क्वायर अब क्या बताया था कि जितना नंबर मिसिंग होगा उतना नंबर बाद में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो यहाँ से देखेंगे एक की घात तीन तो एक की घात तीन लिख देंगे प्लस दो की घात तीन तो दो की घात तीन लिख देंगे और ध्यान से देखेंगे तीन की घात तीन तो तीन की घात तीन बना लेंगे अब देखो यहाँ से दो का भाग देंगे दस तो इक्कीस का वर्ग होता है चार सौ इकतालीस और ये आ जाएगा डबल जीरो माइनस है अब देखो यहाँ क्या आएगा एक दो का वर्ग कितना आठ और तीन का वर्ग कितना सत्ताईस है तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा चवालीस हज़ार सौ माइनस सत्ताईस में एक जोड़ देंगे अट्ठाईस और आठ कितना होता है छत्तीस छत्तीस हो जाएगा ना तो यहाँ से देखेंगे चवालीस हज़ार सौ में से आपका छत्तीसगढ़ जाएगा तो चवालीस हज़ार चौंसठ बचेगा बचेगा ना तो यहाँ से देख लेंगे चवालीस हज़ार चौंसठ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चवालीस हज़ार चौंसठ आपका राइट आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अब चलिए नोट कर लीजिएगा और जो भी जो भी स्टूडेंट देख रहा है तो एक बार इसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेटअप बना लीजिए अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए तो आपको बार बार ये चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ेगा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है पाँच की घात तीन प्लस छः की घात तीन प्लस डॉट डॉट दस की घात तीन का योगफल ज्ञात कीजिए अब देखेंगे यहाँ से पाँच की घात तीन प्लस छः की घात तीन प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे और प्लस आपका दस की घात तीन इसका आपको योगफल निकालना है तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आपको योगफल निकालना है हमने कहा था कि अगर ये शुरू से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है तो यहाँ देखो नंबर आपका मिसिंग है ना कितना नंबर मिसिंग है एक से लेकर चार तक तो देखो यहाँ से एक का एक की घात तीन यहाँ देखेंगे दो की घात तीन फिर देखेंगे तीन की घात तीन और यहाँ देखेंगे चार की घात तीन अब देखो इतना नंबर आपका मिसिंग है कहाँ से कहाँ तक एक से लेकर चार तक अब देखिए यहाँ से आपको हमने एक से लेकर दस तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल तो निकालना सिखाया है आया था आंसर हमारा तीन हजार पच्चीस याद है ना सबको तो देखो फिर से निकाल लेंगे ऐन का मान है दस दस में एक जोड़ लेंगे ग्यारह और यहाँ देखो दो का देंगे भाग और इनका करा लेंगे होल स्क्वायर ये देखो स्क्वायर करा लिया हम ध्यान से देखेंगे जितना नंबर मिसिंग है उतना नंबर जोड़ लिया है और जोड़ लिया है तो गणित का नियम होता है बाद में उतना क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ से देखेंगे एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन और प्लस चार की घात तीन तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका तीन हज़ार पच्चीस और यहाँ देखेंगे कितना आएगा जोड़िए तो एक आएगा दो की घात तीन का मान आठ तीन की घात तीन का मान सत्ताईस चार की घात तीन का मान चौंसठ तो इनको जोड़ लेंगे और तीन हज़ार पच्चीस में से क्या करेंगे घटा देंगे तो देखिए यहाँ से जोड़िए तो क्या आएगा चार सात चार ग्यारह आठ उन्नीस और एक बीस तो हासिल कितना आएगा दो तो छः दो आठ और दो दस तो ये आ जाएगा आपका तीन हजार पच्चीस में से आपको सौ माइनस कर देना है तो ध्यान से देखिएगा कि उनतीस सौ पच्चीस आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा यानी उनतीस सौ पच्चीस क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा तो ये आपका क्या होता है टाइप सेकेंड खत्म होता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं चलिए तो आप लोगों को एक काम करना है देखिए हम आपको बढ़िया सिखा रहे हैं मॉर्निंग में पढ़ा रहे हैं इवनिंग में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहिएगा और आप लोगों को देखो हम पूरी गलत सिखा देंगे इसकी गारंटी है तो आप लोग एक काम करिए जितने भी मित्र हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करिए उनको कहिए कि आप भी क्लाइमैक्स एकेडमी की लाइव क्लासों में जुड़ जाएं और डेली पढ़ें लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी हम आपके साथ में हैं परिस्थितियाँ कैसी भी हों हम आपको हर परिस्थितियों में पढ़ाएंगे स्थितियाँ कैसी भी हों और समय कैसा भी हो मगर आपको अपने जो है लक्ष्य की ओर बढ़ना है इसलिए चीज़ों को बनाए रखना है और डेली पढ़ना है क्योंकि समय समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप समय के महत्व को समझेंगे और हमारे साथ डेली पढ़ाई करेंगे और जो भी नए लोग आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए तो चलिए अगला जो है टाइप बना लेंगे और अगले टाइप में हम आपको एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि एक की घात तीन धन दो की घात तीन धन तीन की घात तीन डॉट डॉट दस की घात तीन बराबर तीन हजार पच्चीस हो तो चार धन बत्तीस धन एक सौ आठ धन डॉट डॉट चार हजार का मान ज्ञात करें तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देखो आपको दिया गया है एक से लेकर दस तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल तो आपसे कहा है चार धन बत्तीस धन एक सौ आठ डॉट डॉट चलते चले जाएंगे चार हजार ये आपको योगफल निकालना है तो ध्यान से देखिए इसका आपको योगफल निकालना है तो समझेंगे सब लोग अब देखो इसका योगफल कैसे निकलेगा तो हम ध्यान समझेंगे कि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कॉमन क्या मिल रहा है चार तो यहाँ से देखेंगे चार कोमन ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारा एक बचेगा यहाँ से कोमल लेंगे तो आठ आएगा और यहाँ से कोमल लेंगे तो चार दुनिया आठ अच्छा दो दो बचा चार सते अट्ठाईस ये कितना आया सत्ताईस और प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक हज़ार कितना आ जाएगा एक हज़ार आ जाएगा तो अब देखो चीज़ों को हम बनाएंगे यहाँ देखेंगे एक को लिखा जा सकता है एक की घात तीन आठ को लिखा जा सकता है दो की घात तीन और सत्ताईस को लिखा जा सकता है तीन की घात तीन प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे और एक हज़ार को लिखा जा सकता है दस की घात तीन अब देखो एक से लेकर आपको दस तक की घनों का योगफल कितना दिया गया तीन हज़ार पच्चीस तो देखेंगे चार का गुणा तीन हज़ार पच्चीस में हम क्या करेंगे करा देंगे चलिए करा दीजिए गुणा तो देखो यहाँ से आएगा चार का गुणा कराएंगे पाँच में तो चार पंच बीस हासिल कितना आ जाएगा दो आ जाएगा चार दूनी आठ और दो दस तो दस में जीरो हासिल कितना एक जीरो कराएंगे एक आएगा और चार तिया बारह हो जाएगा यानी आप तीन हज़ार पच्चीस का गुणा चार से करा देंगे तो कितना आ जाएगा बारह हज़ार सौ आपका राइट आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है ख़त्म होता है और ये आपकी हेडिंग जो है घनों के योगफल की हेडिंग आपकी कंप्लीट होती है तो आज के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है और मिलते हैं मॉर्निंग में आपके एडवांस मैथ के साथ में तो आप लोग जुड़े रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। जिस दिन भी चैप्टर खत्म होगा हम आपको पी दे देंगे अपने दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें चैनल को सब्सक्राइब करें कल मिलते हैं जय हिंद जय जै भारत